अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर भिवंडी से आ रही है। भिवंडी वासियों के लिए यह बड़ी खबर मानी जाएगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से भिवंडी वासियों में यह चल रहा था कि लॉकडाउन 15 दिन का कब लगने वाला है, जिसे देखते हुए भिवंडी महानगर पालिका ने आज महासभा के दौरान सबसे प्रथम विषय यही था कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर विषय पर महासभा में जमकर घमासान हुआ, अनेक विषयों पर चर्चा हुई, जिसके बाद आखिर में यह फैसला लिया गया कि 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। हम आपको बता दें कि महापौर ने यह ऐलान किया कि गुरुवार से 15 दिन का लॉकडाउन भिवंडी शहर में लगा दिया जाएगा। बड़ी खबर भिवंडी वासियों के लिए यह है, क्योंकि 15 दिनों तक का यह लॉकडाउन रहेगा। और हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि भिवंडी में सारे व्यवसाय ठप पर रहेंगे और 15 दिन के यह लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं ही शुरू रहेंगी, बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो बंद रहेंगे, सारे व्यवसाय बंद रहेंगे। हम आपको बता दें कि वाहतूक भी इस दरमियान बंद रहेंगे, ऐसा महापौर ने कहा है। आइए सुनते हैं महापौर ने क्या कहा। आज आमची महासभा होती है, आमचे इथे उपस्थित सर्व नगरसेवक आणि कमिश्नर साहेब आम्ही सगळ्यांच्या ठरावांमध्ये मिळून आम्ही भिवंडी शहरामध्ये कंटेनमेंट लॉकडाऊन हा गुरुवारपासून करणार आहोत। आणि या सगळ्यांनी आम्हाला या गोष्टीची सहमती दिली आणि सगळेजण तयार आहेत। आणि हे भिवंडीच्या जनतेच्या हिताकरता आम्ही हा कंटेनमेंट झोन केलेला आहे। तर त्याला सर्व जनतांना मी आवाहन करेल का आपण सर्वांनी सतर्क रहा आणि आम्हाला सहकार्य करा। पूर्ण भिवंडी म्हणजे जसं सगळ्यांचे प्रत्येकाचे जितके एरिया आहेत ते प्रत्येकाने एरिया कंटेनमेंट झोन म्हणून उपलब्ध करून देणार आहे। स्पीड न्यूज ताज्या खबरों के लिए करें सब्सक्राइब।